बंटवारे के बाद से अब तक करीब 70 साल के इतिहास में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस खटास भरे रिश्तों से दोनों ही मुल्कों की अवाम कभी भी खुश नहीं रही। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद सत्ता अब इमरान खान के हाथों आती दिख रही है। ऐसे में दोनों देशों की जनता की नज़र बस इसी बात पर टिकी है कि नए पाकिस्तान की बात करने वाले इमरान खान और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों को किस तरह नया मोड़ देते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद इमरान ने जो बात प्रेस वार्ता में कही, उससे ये साफ हो जाता है कि वो भारत के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं। इमरान ने कहा है कि दोनों ही पड़ोसी मुल्क तब तक असली तरक्की से महरूम रहेंगे जब तक वो आपसी रिश्ते बेहतर नहीं कर लेते। नए पाकिस्तान के नारे में इमरान ने चुनाव पूर्व कई बार हिंदुस्तानी विकास का भी उदाहरण दिया था, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि इमरान नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के मुरीद हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सेना की भी मदद मिलती रही है, और पाकिस्तानी सेना भारत की धूर विरोधी मानी जाती है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर इमरान खान भारत के साथ बेहतर रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो उनकी इस बात में विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का संघर्ष विराम उल्लंघन और भारत विरोधी उसकी नीति जग जाहिर है। और पाकिस्तान की सियासत का जो अब तक का इतिहास रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की सियासी सत्ता किसी के भी हाथ हो, लेकिन उस सत्ता की चाबी हमेशा पाकिस्तान की सेना के हाथों में ही रहती है। और ऐसा न करने वाले सियासी हुक्मरानों का जो अब तक के इतिहास में हश्र हुआ है वो किसी से भी छिपा नहीं है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान की नई सरकार सेना के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करे और भारत के साथ रिश्तों की कड़वाहट को कम करने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।